बिहार के अररिया में एक गैंग रेप सर्वाइवर को जेल भेज दिया गया। रेप सर्वाइवर और उनके दो सहयोगियों पर अदालत की अवमानना का आरोप लगा है। बीसीसी के खबर के मुताबिक 6 जुलाई को 22 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था और उसके बाद उसने अररिया महिला थाने में 7 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई। युवती की शिकायत के बाद 7 और 8 जुलाई को उसकी मेडिकल जांच हुई, जिसके बाद 10 जुलाई को बयान दर्ज कराने के लिए रेप सर्वाइवर को जुडिशियल कोर्ट में ले जाया गया। जन जागरण शक्ति संगठन की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक रेप सर्वाइवर और जन जागरण शक्ति संगठन के कार्यकर्ता 10 जुलाई को दोपहर 1 बजे कोर्ट पहुंचे। वहां इन लोगों ने कॉरिडोर में इंतजार किया। उस वक्त केस का एक अभियुक्त भी वहीं मौजूद था। तकरीबन 4 घंटे के इंतजार के बाद रेप सर्वाइवर का बयान हुआ। बयान के बाद जब उसे न्यायिक दंडाधिकारी ने बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो रेप सर्वाइवर उत्तेजित हो गई। उन्होंने उत्तेजना में कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या पढ़ रहे हैं, मेरी कल्याणी दीदी को बुलाइए। दरअसल कल्याणी और तन्मय निवेदिता जन जागरण शक्ति संगठन के कार्यकर्ता हैं। इसके बाद केस की जांच अधिकारी को बुलाया गया, तब रेप सर्वाइवर ने बयान पर हस्ताक्षर किए। बाहर आकर रेप सर्वाइवर ने दोनों सहयोगियों तन्मय निवेदिता और कल्याणी बडोला से तेज आवाज में पूछा कि तब आप लोग कहां थे जब मुझे आपकी जरूरत थी। बाहर से आ रही तेज आवाजों के बीच जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कल्याणी को अंदर बुलाया। कल्याणी ने रेप सर्वाइवर का बयान पढ़कर सुनाने की मांग की है। इससे हालात तल्ख हो गए और शाम 5 बजे कल्याणी, तन्मय और रेप सर्वाइवर को हिरासत में लिया गया और 11 जुलाई को जेल भेज दिया गया। वहीं एक स्थानीय अखबार की खबर के मुताबिक न्यायालय के पेशकर राजीव रंजन सिन्हा ने दुष्कर्म पीड़िता सहित दो अन्य महिलाओं के विरुद्ध महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि पीड़िता ने बयान देकर फिर उसी पर आपत्ति जताई। आपको बता दें कि 22 साल की एक युवती को मोटरसाइकिल चलाना सिखाने के बहाने उसके एक परिचित लड़के ने बुलाया, फिर उस लड़की को सुनसान जगह पर ले गया। वहां मौजूद 4 अज्ञात पुरुषों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। न्यूज़ डेस्क।